वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ हमेशा की तरह मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मंडे जो है आज नए एनर्जी के साथ नए हफ्ते का आगाज करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार होंगे, क्योंकि मंडे को आपको मोटिवेशन जरूर चाहिए होती है किसी ना किसी तरीके से। तो इसका इंतजाम भी आज हमने आपके लिए करके रखा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग आपके साथ रिसर्च शेयर करेंगे। दुनिया भर में अजीबो गरीब चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन जनाब कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ अजीब भी होती हैं, कुछ गरीब भी होती हैं। मतलब अजीब व गरीब का जो कॉम्बिनेशन है ये हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जनाब सलवाकिया की 7.5 फुट लंबी जुल्फों वाली हसीना की खबर देने वाले हैं। सोशल मीडिया पर जैसे कि बहुत मकबूल नज़र आ रही हैं खातून, बहुत सारी खवातीन की कोशिश होती है कि अपने बालों को ठीक करें। मतलब हमारी एंकर्स की तो ये ख्वाहिश बिल्कुल अधूरी रह जाती है, क्योंकि हमारे बालों का तो कुछ नहीं बचता। लेकिन ये खातून आप देख सकते हैं जनाब, ये सलवाकिया की रहने वाली खातून है और उनके बाल जो हैं 7.5 फुट लंबे हैं और जो उनकी हाइट से भी ज़्यादा है। और जनाब ये कहती हैं कि ये अपने बालों की देखभाल बहुत अच्छे से तरीके से करती हैं और इनकी कोशिश होती है कि अपने बालों पर किसी तरह के केमिकल्स जो हैं इनका इस्तेमाल ना किया जाए। और इसी ज़मीन में वो मुख्तलिफ लोग, इन्होंने सोशल मीडिया पे जब ये अपनी वीडियो अपलोड की तो बहुत सारे व्यूज़ भी आए और उस पर यही लोगों ने पूछा कि इनके लंबे बालों का राज क्या। तो जनाब उन्होंने कहा कि वो बहुत ख्याल रखती हैं और उनको अपने खूबसूरत बालों की देखभाल करना भी बहुत पसंद है। तो लिहाजा जनाब 7.5 फुट लंबे बाल जो खवातीन परेशान होती हैं कि हमारे बाल लंबे नहीं होते, वो देख कर मज़ीद परेशान होंगी, और जिनके लंबे हैं वो शुक्र करें कि उनके बाल लंबे हैं। तो जनाब ये तो इन खातून की कहानी जो हमने आपको बता दी, आप इनके साथ में विंडो पे भी इनको देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जनाब ये बालों वाली कहानी तो है, मूंछों पे भी आएंगे। मर्द हज़रात भी पीछे नहीं रहते इस बारे में। वो कहते हैं जनाब खवातीन बाल लंबे करती हैं तो हम मूंछे लंबी कर लेते हैं। तो जनाब ये थोड़ी 7.5 फुट से बढ़कर ही इन्होंने काम किया और ये 22 फुट लंबी मूंछे रखी हैं। जनाब 58 ईयर्स की ये सरकारी मुलाजिम है और उन्होंने दावा किया है कि इनकी जो मूंछे हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तवील हैं और रोज़ाना ये उस पर कोई तकरीबन 3 घंटे सर्व करते हैं ताकि ये अपने मूंछों की सही तरह से देखभाल कर सके। इनका ताल्लुक जो है राजस्थान से है और इनकी मूंछों की जो कुल लंबाई है वो 22 फुट है। इसी वजह से वो पूरे इलाके की एक मशहूर शख्सियत बन चुके हैं, लोग इनके साथ आते हैं, पिक्चर्स बनवाते हैं। और ये भी इन्होंने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ किया दुनिया को दिखाने के लिए कि इनकी मूंछें कितनी लंबी हैं। तो जनाब इससे कबल जो था रिकॉर्ड था वो 18.5 फिट जो लंबी मूंछें हैं उनका था। लेकिन इसके अलावा इन्होंने ये जो साथ में इतराफ़ भी किया है कि जनाब ये कोई शौक आसान नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है, बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत डेडिकेशन चाहिए होती है। वैसे मूंछें रखने के लिए भी डेडिकेशन वाकई चाहिए। सुबह बेदार होने के बाद जनाब वो कहते हैं कि अपनी वो मूंछें बिस्तर पर फैला देते हैं और इन पर 2 घंटे खास किस्म का तेल जो है वो लगाते हैं। फिर शाम को वो लीमू में काली मिर्च डालकर मूंछों पे लगाते हैं ताकि उनकी जो सॉफ्टनेस है वो बरकरार रहे। और वो साल में एक मरतबा जो है मूंछों को धोते हैं लेकिन किसी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते। तो मतलब इतनी लंबी मूंछें रखने का मकसद जब इतनी देर आपने उसे ज़ाया करने, मतलब थोड़ी बहुत ही मूंछों से भी गुजारा हो सकता है। वैसे लोगों का वाकई शौक का कोई मोल नहीं होता, लोग कितनी अनोखी अनोखी डिफरेंट चीज़ें करते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं कि मतलब ये भी कोई शौक है कि आप मूंछें लंबी, चलो बालों का तो समझ आता है, लेकिन मूंछें लंबी कुछ लोग को होता है कि कुछ डिफरेंट तरह की बियर्ड या इस तरह की रखने के मुस्ताशू। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक अजीब सा शौक था लेकिन मज़ेदार शौक है। सेहत का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल है और आपकी सेहत के हवाले से, और आजकल हम बोन्स की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उम्मे फरवा है हमारे साथ मौजूद, वो हमें बताने वाली कि कौन सी डाइट जो है वो आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जी उम्मे फरवा। जी अरमला, हम बात कर रहे थे बोन डिजीज़ और उसके लिए डाइट थेरेपी की। पिछले कुछ सालों में हमारे ये मुल्क में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है कि लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन, वो एक बहुत कॉमन बीमारी होती जा रही है। और देखने में आ रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी ये बहुत कॉमन होती जा रही है। हर दूसरे तीसरे इंसान को या तो स्पाइन इशू है या बोन्स का, और ये सिर्फ बड़ों में ही नहीं इवन बच्चों में भी अब नज़र आना शुरू हो चुका हुआ है। इसकी जो एक मेन कॉज है वो है वाइटामिन डी डेफिशिएंसी। आमतौर पे बाहर के ममालिक में पहले इस तरह से ये ट्रेंड था कि वहाँ पर बच्चों की बचपन में हड्डियाँ को हम टेढ़ा होता देखते थे कि बच्चों की टांगें टेढ़ी होनी शुरू हो जाती थी,
लेकिन अब ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी बहुत से बच्चों में होता जा रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हम सन एक्सपोजर उस तरह से नहीं है हमारा जिस तरह पहले कभी हुआ करता था। बच्चे बाहर नहीं खेलते, टेक्नोलॉजी का कुछ ऐसा इस्तेमाल बहुत कॉमन होता चला गया कि बच्चे बाहर खेलने के बजाय घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम की, इसके अलावा और भी हमारे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बोन ग्रोथ के लिए और बोन हेल्थ के लिए बड़े ज़रूरी हैं। आमतौर पर ये समझा जाता है कि शायद 10-12 साल ऐसा टाइम है कि या 15-16 के उसके बाद शायद हाइट जो है नहीं बढ़ेगी, वो एक रूटीन में बच्चे की जो बढ़नी है उसी तरह होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर तो किसी को भी बोन डिजीज़ है तो पहली बात ये कि बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोटीन इंटेक भी अच्छा होना चाहिए। लोगों को लगता है कि शायद कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नो डाउट वो है, लेकिन प्रोटीन जो है आपकी बोन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा तो आपके बाकी न्यूट्रिएंट्स भी अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे, बॉडी की रिपेयर, मेंटेनेंस, ग्रोथ वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। इसके अलावा कैल्शियम, कैल्शियम के बहुत से सोर्सेज हैं, दूध, दही, इसके अलावा हमें शलजम जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है और वहाँ से भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा स्पिनच में भी होता है, आयरन भी होता है और हमें वहाँ से कैल्शियम का भी सोर्स मिलता है। इसके अलावा बीन्स वगैरह नट्स हैं जिनमें बहुत माइन्यूट क्वान्टिटीज़ में हमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये चीज़ें भी मिलती हैं। जहाँ तक फ्रूट्स की बात है तो फ्रूट्स में बनाना, केला जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फल है जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पोटेशियम का ये बहुत रिच सोर्स है। इसके अलावा मैग्नीशियम और जिंक, जिंक आपको खजूरों से बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जिंक और मैग्नीशियम जो है ये सारे वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ये देख रहे हैं कि लोगों में खाली हड्डियों का भुरभुरापन जो है, उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जो आपके जॉइंट्स हैं उसमें सोजिश, इन्फ्लेमेशन, वो भी बहुत कॉमन चीज़ होती जा रही है। तो उसके लिए भी नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नट्स हैं इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा जिंजर है, गार्लिक, अदरक, लहसुन, कुछ हर्ब्स हैं हमारे नेचुरल जो बॉडी में सोजिश को कम करते हैं और आपकी वो जो पेन का एक फैक्टर है हम उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ और कई लोग उसको ओवरलुक करते हैं, दैट इज़ योर एक्सरसाइज। लोगों को लगता है कि अगर हमें कोई बोन डिजीज़ है तो शायद हमने एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी, तो फिज़िकल एक्टिविटी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी थैंक यू सो मच उम्मीद फरवा कि आप हमें बता रही थी बोन्स की हेल्थ के हवाले से हमारी डाइट किस तरह की होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले आपसे मंडे मोटिवेशन की बात करी थी, क्योंकि वीक का स्टार्ट करना होता है तो आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है और कुछ अच्छी बातें आपको सुबह सुबह सुनने को मिल जाए तो दिन का आगाज़ भी अच्छा हो जाता है। और इन अच्छी बातों के लिए आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं जहाँजेब अहमद खान और उनसे हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। वेलकम टू द शो जहाँजेब, कैसे हैं? थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच काबिल। जहाँजेब, हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बहुत तरह की होती है लेकिन कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होती है, आज हम इस टर्मिनोलॉजी को फर्दर एक्सप्लेन करें। आप देखें कम्युनिकेशन के ऊपर जब आप बात करते हैं, इट इज़ अकॉर्डिंग टू बी द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लिविंग। किसी के साथ भी आप जब बात करते हैं तो जब तक उसको वो बात समझ नहीं आ जाती उस बात का फ़ायदा नहीं। मुश्किल बात को, मतलब आसान बात को मुश्किल करना नॉलेज नहीं है, मुश्किल बात को आसान करके बताना नॉलेज है, ताकि जो सामने वाला है उसको उस बात की समझ आए कि बात हो क्या रही है। और बात कर देना मकसद नहीं है, उस बात से कुछ पॉजिटिविटी निकालना और किसी के फायदे में वो बात आना, वो इम्पोर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन हर आपके हर रिश्ते में इम्पोर्टेंट है, किसी भी आपका रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हों, पर्सनल आप लाइफ के ऊपर बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग। सही। अच्छा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। हम जब बात करते हैं किसी से तो डिलीवर तो कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका पॉजिटिव एक मीनिंग निकालते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिविटी किसी के सामने पेश करना और किसी इफेक्टिव अंदाज में करना, ये किस तरह के आप टैक्चर्स बताएंगे? देखिए, जब आप, जैसे पहले हमने बात की कि चीज़ों को ईजी रखें, सिंपल रखें, जैसे कहते हैं ना दरिया को कूजे में तो बंद कर दिया लेकिन उसको सिंप्लिसिटी के साथ करें। सिंप्लिसिटी के साथ किसी भी चीज़ को आप पेश करेंगे तो वो एक्सेप्ट करना आसान होगी। जब भी आप चीज़ों को मुश्किल कर देंगे ना, ह्यूमन ब्रेन की सब में खूबसूरत बात यह है कि टेंड्स टू सिंप्लीफाई थिंग्स, वेयर एज ह्यूमंस इटसेल्फ की जो सब में एक अजीब बात है वो ये है कि कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उन चीज़ों को। उसमें हम अक्सर उन लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं जो हमें सिंप्लीफाई करके चीज़ें सामने लेके आते हैं, और जब आप वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आते हैं तो चीज़ें कंफर्टेबल हो जाती हैं, चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं, चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती
लोग हमारे इर्द गिर्द या मुश्किल या आसान बना देते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा नसीब, कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, शायद उनको हमेशा से प्रॉब्लम आती है इस चीज में कि वो कहना कुछ चाह रहे हैं और जो अगला बंदा उसको इंटरप्रेट कुछ और कर रहा होता है, और हालांकि मीनिंग भी ऐसा नहीं होता, इंटेंशन भी ऐसी नहीं होती, उनका क्या सिनेरियो होता है? देखें, एक चीज समझने की जरूरत है, दैट यू कैन नेवर बी गुड इन एवरीवन्स बुक्स। एग्जैक्टली। आपको पसंद करने वाले लोग होंगे, आपको ना पसंद करने वाले लोग होंगे, एंड यू नीड टू लिव बाय इट। मैं जब छोटा था तो मुझे व्हेन आई वाज यू नो व्हेन अ टीनएजर इज इन हिज और हर डेवलपिंग एज, तो मैं मुख्तलिफ आई स्टडी डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड आई आस्क पीपल टू स्टडी डिफरेंट पर्सनालिटीज, क्योंकि जब आप पर्सनालिटीज को पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है कि यार एक चीज़ ये समझ आती है क्या करना चाहिए, और जो सबसे अच्छी चीज़ समझ आती है वो ये है कि क्या नहीं करना चाहिए, उन्होंने क्या किया जिससे नुकसान हुआ, हमें क्या नहीं करना चाहिए। उसमें मुझे ये समझ आई कि यार इतने ग्रेट्स हैं दुनिया में, मतलब देयर इज़ वन पर्सनैलिटी जिसका मैं कमोबेश अपने हर सेशन में जिक्र करता हूँ, जो मुझे रेगुलरली सुनने वाले हैं वो कहते हैं कि जी हमें इतना एक हमने इनके बारे में सुन लिया है कि हमें अब काफ़ी हद तक पता लग गया, ही इज़ मोहम्मद अली द बॉक्सर। और मैं आई वॉज रीडिंग इज बायोग्राफी, तो छोटा था मैं उस वक्त, मुझे ये आइडिया हुआ, मैं कहा यार इस स्टैचर का बंदा और उसके इतने क्रिटिक्स हैं, मैंने पॉन्डर्ड अपॉन इट, तो मुझे समझ आई कि यार इस दुनिया में कौन सी ऐसी हस्ती नहीं है जिसके क्रिटिक्स नहीं है। ठीक है, क्रिटिक्स आपके हर जगह होंगे, आप सबको साथ लेके नहीं चल सकते, एक पॉइंट पे आपको अच्छा भी समझेंगे बुरा भी समझेंगे, बट हैविंग सेड दैट कोशिश करें कि चीज़ें जो है ना लोगों के लिए आसानियां पैदा करते रहें। जब आप आसानियां पैदा करने की तरफ जाएंगे ना तो आपकी ऑटोमेटिकली राहें आसान हो जाएंगी। एंड अगेन कमिंग बैक टू कम्युनिकेशन, इस सारी लाइन के अंदर कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम कहीं पे भी देखते हैं हमारे जो रिलेशनशिप्स जहाँ ख़राब होते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होती प्रॉपरली। आप किसी को कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे होते कि यार फ़र्ज़ किया आपको कोई पसंद है, आपको कोई अच्छा लगा, आप वाया भटिंडा क्यों जाते हैं, आप डायरेक्टली बात क्यों नहीं करते? आप डायरेक्टली अगर बता देंगे आगे उसका प्रोगेटिव है, उसका जवाब किस तरह से देना है ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका मसला है, बट आप उनको कम्युनिकेट डायरेक्टली कर लें। आपको कोई चीज़ बुरी लगी, आपको कुछ पसंद नहीं आया, अगेन वो जो मैं कहता हूँ ना आप सबकी किताबों में अच्छे नहीं रह सकते, हम जब किसी को नेगेटिव बात करते हैं या किसी को कहते हैं ना कि यार ये थोड़ा सा ठीक कर लो या इसको ये आपकी शॉर्टकमिंग है इम्प्रूव इट, तो अक्सर लोगों को वो नागवार गुजरती है, बट आपने अपना काम कर दिया। बी डायरेक्ट, बी क्लियर विद पीपल। जब आप बीच में कॉन्वोल्यूशन रखते हैं, थोड़ा सा हाइड एंड सीक करते हैं, तो चीज़ें ख़राब होती हैं। जिसके लिए जो बात है उसको आप देर एंड देन समझा दें, बता दें कि यार ये चीज़ है, इम्प्रूव इट, यही आपकी अच्छाई है, कीप इट अप। हम नहीं बताते और तारीफ करने से हम पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम क्रिटिसाइज बहुत जल्दी करते हैं और हम जब तारीफ करने अप्रिशिएट करने किसी को तो हमारी उस वक्त जान निकल जाती है। Exactly. And another thing about communication is कि आप जैसे हजरत अली का कॉल है कि किसी को अगर आपने इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है तो उसको अलहदगी में समझाएं। अच्छा। अगर सबके सामने समझाएंगे या सबके सामने उसकी तंबीह करेंगे तो वो जाहिर है उसको भी बुरा लग सकता है, इंसल्टिंग भी फील कर सकता है, उनके मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो सकती है। सो किसी की अगर फलाह चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, तो उनको अलहदगी में समझाएं। और नेगेटिविटी अगर किसी की है, किसी की कुछ शॉर्ट कमिंग है, तो कोशिश करें कि अल्फाज का चुनाव इस किस्म का हो कि दिल आज़ारी भी ना हो और बात भी कह दी जाए। क्योंकि मौलाना रूम एक बात करते हैं, इस दुनिया में आप कुछ भी करें चलेगा, लेकिन किसी का दिल ना तोड़ें। दिल आज़ारी से बचें, और वो अल्फाज हैं Which is the effective communication. ठीक हो गया। अच्छा, हमें ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जहाँ से हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत इनिशियली अपने बच्चों को सिखाना भी पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों में, इवन पेरेंट्स या बड़ों की जिनको बच्चे आइडियलाइज करते हैं उनमें भी ये चीज़ नहीं पाई जाती। नॉर्मली बड़े भी अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इवन उसकी वजह से छोटे भी उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको एक मैकेनिज्म समझाता हूँ कि किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है और नौमौलूद होता है तो अपनी कम्युनिकेशन की पीक पे होता है मेरे हिसाब से। उसे भूख लग रही है, उसने रोना है। उसे कोई चीज़ बुरी लग रही है, उसने रोना है। बिल्कुल। और शिद्दत बढ़ती है तो रोने की शिद्दत भी बढ़ती है। उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, उस एज तक कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जैसे जैसे डेवलप कर रहे होते हैं ना, वैसे वैसे हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रहे होते हैं, अपनी सोसाइटी को देख रहे होते हैं, सोसाइटी से पहले अपने घर को देख रहे होते हैं।
شارٹ کمنگز یہاں ہوتی ہیں وہ بھی ہم ابزارب کرتے ہیں, جو پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم ابزارب کرتے ہیں, پھر ہم ڈیولپ کرتے ہیں. اس سے پہلے جو بیسک کمیونیکیشن ہے وہ ہماری ہے, جس میں میں ایک کلاسک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو ریوائنڈ کریں اور اپنے بچپن میں جائیں, کوئی بھی چیز ہمیں چاہیے ہوتی تھی اس کا احساس دلوانے کے لیے اپنے ماں باپ کو کہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, ہم روتے تھے, ہم پبلکلی بھی روتے تھے, ہم روتے لوٹتے ہوئے بھی روتے تھے, اس سے انٹینسٹی بڑھتی ہے اور آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بڑے ہو کے چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. آپ اس طرح کر نہیں سکتے, لیکن وہ افیکٹیونیس برقرار رکھنے کے لیے یو نیڈ ٹو بی اسمارٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کہ یار میں نے اس چیز کو کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. دس از ناٹ اونلی اباؤٹ یور پیرنٹس, دس از ود یور فرینڈس, دس از ود یور فیلوز, دس از ود یور کولیگز از ویل, یور ٹیچرز آئی گیس. تو وہ انٹینسٹی کسی کو سمجھانی ہے تو آپ نے اس انٹینسٹی پہ پہنچنا ہے, رونا نہیں ہے, ہر دفعہ رونا نہیں ہوتا, بٹ آپ نے وہ انٹینسٹی ضرور سمجھانی ہے. اس میں یو نیڈ ٹو بی ا بٹ کریٹو اور تھوڑا سمارٹ بھی کھیلنا پڑتا ہے. ہاں ہاں ایٹ ٹائمز. اچھا افیکٹو کمیونیکیشن میں ہم بیریئرز کی بات کریں, بیسیکلی بیریئرز کیا کیا اس میں ہم کام کر سکتے. دیکھیں بیریئرز یہ ہوتے ہیں کہ میں جو سب میں نے پہلے بات کی کہ ڈائریکٹ ہو جائیں. اچھا ہم پروفیشنل سیٹنگ کی بات کر لیتے ہیں. اکثر ہم نے باسز دیکھے ہیں جو کہ اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ یا اپنے کولیگس کے ساتھ انہیں پرابلم ہے اور وہ ان تک پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. کسی کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے نا, پروفیشنل لائف میں یا پرسنل لائف میں, بی ڈائریکٹ ود دیم. ان کو ڈائریکٹلی بتائیں کہ یار مجھے آپ سے پرابلم ہے. جب ہم باتیں دل میں رکھ لیتے ہیں یا کسی کے خلاف گرج رکھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی برا ہے اور ان کے لیے بھی برا ہے اور اس انوائرمنٹ کے لیے بھی برا ہے جہاں آپ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں. کسی کے ساتھ پرابلم ہے اس کو ڈائریکٹلی بتا دیں کہ یار, اکثر ہم ہوتا ہے سوشلی ہم لوگوں کے بارے میں کوئی بات سن لیتے ہیں کہ یار اس نے میرے بارے میں کوئی بات کی ہے. اچھا وہ نیگیٹو بات ہی ہے جو اس نے آپ سے ڈائریکٹلی نہیں کی. ہم یہ ذہن میں بٹھا کے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اس نے ایسے ہی بات کی ہے, یہی بات ہے اور جس طرح مجھے کمیونیکیٹ کی ہے وہ ایسے ہی ہوا ہے. ہم اس شخص سے ڈائریکٹلی نہیں بات کرنا گوارا کرتے ہیں اور دل میں وہ چیز رکھ بھی لیتے ہیں اور کہانیاں بھی اس کے حساب سے بنانا شروع کر دیتے ہیں. یار یہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ یار ایسے ہی ہے, ویئر ایز ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. چائنیز وسپر جو ہے وہ کانسیپٹ یہی ہے نا کہ دس لوگ اگر ایک جگہ بیٹھے ہیں, آپ نے ایک بات ایک بندے کے کان میں کی, وہ دسویں بندے کے کان سے جب دسویں بندے کے منہ سے آپ اس بات سنتے ہیں تو وہ آپ کی کہیں بھی بات نہیں ہوتی. ظاہر ہے وہ تو گھوم پھر کے کیا بن جاتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر فلاں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے تو اس سے آپ ڈائریکٹلی بات کر لیں, بہتری اسی میں تاکہ وہ اپنا ورژن آپ کو سنا سکے. لولی تھینک یو ویری مچ جازیب, بہت شکریہ کہ آپ آئے. اور صبح صبح جناب آپ کو اتنی اچھی اچھی ہم نے باتیں بتا دی ہیں, کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں اور اچھے طریقے سے سیکھیں اور چیزوں کو سمپل رکھیں, کمپلیکیٹ نہ کریں. یہ تو آج کے ٹاپک کا میسج. ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے.